परफेक्शनिस्ट यानी कि आमिर खान अक्सर अपनी फिल्मों को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं। वो अपने काम को लेकर काफी संजीदा रहते हैं। यही वजह है कि उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा कर रख देती हैं। आमिर खान को बॉलीवुड इंडस्ट्री का सबसे भरोसेमंद और कमाऊ एक्टर भी कहा जाता है। आज मिस्टर परफेक्शनिस्ट अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। ऐसे में जल्दी से करते हैं आमिर खान को बर्थडे विश और बताते हैं आपको उनकी जिंदगी से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जिनके बारे में शायद आप ना जानते हो। अपने करियर में कई जबरदस्त फिल्में देने वाले आमिर ने महज 8 साल की उम्र में एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा। साल 1973 में आई फिल्म यादों की बारात में उन्होंने छोटा सा किरदार निभाया। ये फिल्म उनके चाचा नासिर हुसैन ने बनाई थी। हालांकि बतौर लीड एक्टर उन्होंने अपना एक्टिंग डेब्यू कयामत से कयामत तक से किया था। ये फिल्म उस टाइम की सबसे बड़ी हिट साबित हुई थी। इस फिल्म की रिलीज के बाद आमिर खान रातों रात स्टार बन गए थे। क्या आप जानते हैं कि आमिर खान को मिस्टर परफेक्शनिस्ट क्यों कहा जाता है? दरअसल किसी भी फिल्म में काम करने से पहले आमिर खान उसके किरदार में पूरे तरीके से डूब जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें इंडस्ट्री का मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहा जाता है। इस बात को सुनकर शायद आप हैरान जरूर होंगे, लेकिन आपको बता दें कि आमिर खान पूर्व राष्ट्रपति जाकिर हुसैन के परिवार से आते हैं। जाकिर हुसैन ने साल 1962 से 72 तक राष्ट्रपति का पद संभाला था। आमिर खान का नाम भी जाकिर हुसैन के नाम से काफी ज्यादा मिलता है। आपको बता दें आमिर खान का पूरा नाम मोहम्मद आमिर हुसैन खान है। बॉलीवुड में वो आमिर खान के नाम से जाने जाते हैं। बॉलीवुड जगत में अपनी एक्टिंग के दम पर परचम लहराने वाले आमिर खान ने अपनी पहली फिल्म कयामत से कयामत तक का प्रमोशन खुद किया था। उन्होंने मुंबई की गलियों में खुद जाकर अपनी फिल्म का पोस्टर लगाया। फिल्म का बजट काफी कम था, जिसके बाद उन्हें खुद घूम घूम कर फिल्म का पोस्टर हर जगह लगाना पड़ा। आमिर खान की पहली शादी से बहुत कम लोग वाकिफ होंगे। आपको बता दें आमिर खान ने फिल्मों में डेब्यू से पहले रीना दत्ता के साथ परिवार वालों से छुपकर साल 1986 में शादी रचाई। शादी के कुछ दिनों बाद तक घर वालों को दोनों की शादी के बारे में कुछ नहीं पता था। एक इंटरव्यू में आमिर खान ने बताया था कि उन्होंने 21 साल की उम्र में घर से भागकर रीना दत्ता से शादी रचाई थी। आमिर खान की फिल्में रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा देती हैं। उनकी फिल्मों का ऑडियंस को बेसब्री से इंतजार रहता है। इसका राज आमिर खान की कड़ी मेहनत और एक विशेष प्लानिंग भी है। आमिर खान अपनी हर फिल्म के बाद एक टेस्ट स्क्रीनिंग रखते हैं। स्क्रीनिंग में बॉलीवुड की किसी बड़ी हस्ती को नहीं बुलाया जाता, बल्कि इसमें बहुत सिंपल लोगों को बुलाया जाता है, जिससे आमिर खान ये देख पाते हैं कि फिल्म के लिए ऑडियंस का जो रिएक्शन होगा वो कैसा होगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि आमिर खान अपनी फिल्म के लिए कोई फीस चार्ज नहीं करते, बल्कि फिल्म के प्रॉफिट में से शेयर लेते हैं। इस बात को सुनने के बाद आप भी जरूर हैरान हुए होंगे, लेकिन आपको बता दें कि आमिर खान ने इस बात का खुलासा खुद एक इंटरव्यू के दौरान किया था कि फिल्म रिलीज होने के बाद फिल्म अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट और 25% कमा लेती है और वो अपना शेयर लेना शुरू कर देते हैं। एक्टिंग से पहले आमिर खान टेनिस प्लेयर बनना चाहते थे। स्कूल के दिनों में वो काफी अच्छा टेनिस खेला करते थे। आपको शायद ये बात ना पता हो, लेकिन आमिर खान अवार्ड शो से काफी दूरी बनाए रखते हैं। कहा जाता है कि 1990 में घायल के लिए सनी देओल को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलने के बाद उनका नजरिया बदल गया। उन्होंने इसे इवेंट से परहेज करना शुरू कर दिया। आमिर खान ऑस्कर को छोड़कर किसी भी अवार्ड शो में जाना पसंद नहीं करते हैं। आमिर खान को ईटिंग डिसऑर्डर है। आप उनके साथ बैठकर खाना नहीं खा सकते। उनकी पति किरण राव ने शो में खुलासा किया था कि आमिर अगर स्ट्रिक्ट डाइट पर भी होते हैं तो भी उनके टेबल पर रखा सारा खाना खा जाते हैं। आमिर खान को लाउड म्यूजिक से बहुत ज्यादा नफरत है। जिस पार्टी में लाउड म्यूजिक होता है वहां पर जाना आमिर खान अवॉइड कर देते हैं। अपनी पहली फिल्म कयामत से कयामत तक में जूही चावला के साथ बॉलीवुड डेब्यू करने वाले आमिर खान का एक बार जूही चावला से काफी ज्यादा झगड़ा हो गया था। बताया जाता है फिल्म इश्क की शूटिंग के दौरान एक मजाक के चलते दोनों की दोस्ती में दरार आ गई। इसके बाद से दोनों ने कभी भी साथ काम नहीं किया। हालांकि कई साल के बाद दोनों की दोस्ती में सुधार हुआ। क्या आप जानते हैं कि आमिर खान को नहाना बिल्कुल भी पसंद नहीं? आमिर खान की एक्स वाइफ किरण राव ने करण जौहर के चैट शो में खुलासा किया कि एक्टर को नहाने से काफी नफरत है। इस शो में किरण ने बताया कि वो कुछ दिनों तक बिना नहाए आसानी से रह सकते हैं। आज की अपनी खास रिपोर्ट में हमने आपको बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट के बारे में कई सारी ऐसी बातें बताई हैं जिनके बारे में शायद आप ना जानते हो। हमारी तरफ से बॉलीवुड के हैंडसम हंक आमिर खान को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर आपने अभी तक फिल्मी बीट को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कीजिए। बॉलीवुड टीवी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए फिल्मी बीट।